आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 क्लास आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी बुक सेकेंड और चैप्टर सेकेंड का वीडियो 6 नंबर वीडियो आएगा अपने पास में। आज अपन पढ़ेंगे इसमें भू आकृति के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? निम्न भागों में बांटा गया है जिनके भाग अपने पास 5 प्रकार के हैं। पहला भाग देखिए अपने पास पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा अपने पास है विशाल मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा है पठारीय प्रदेश और पांचवा अपने पास द्वीप समूह है। इस प्रकार भू आकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में बांट दिया अपने? 5 भागों में बांट दिया। किसके आधार बांटा अपने? भू मीन्स भूमि, आकृति यानी भूमि की द्वार की जो भूमि है वो भूमि को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है। जैसे आकृति बनी होती है, जैसे हमारे शरीर पर आकृतियाँ पाई जाती है, आँख नाक कान पाए जाते हैं ना अपने पास, वो हमारे शरीर की क्या है? आकृतियाँ हैं। क्या अपने शरीर की आकृतियाँ हैं? उसी प्रकार इस भूमि की भी कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे अपने पास पर्वतीय प्रदेश है, विशाल मैदान है, मरुस्थल है, पठारी है, द्वीप है, ये भारत की भूमि की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों को हमें भू आकृति के आधार पर बांटा गया है, भागों के नाम से जाने जाता है। तो ये 5 भाग हैं और ये 5 भागों को पूरे भारत के डायग्राम में हमने इस प्रकार से दर्शाया है। देखिए ये जो मैंने सीधी लाइनें खींची हैं, ये पूरा क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश। मैंने बीच में डार किया है, ये भारत के विशाल मैदान हैं। इतने बड़े भाग में जो डॉट लगाए हैं पश्चिम भारत के अंदर वो रेगिस्तानी प्रदेश है और निचोड़े जो चौकोर खाने बनाए हैं वो पठारी प्रदेश है। इसके साथ में इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप हैं। इस प्रकार पूरे भारत की भू आकृति के आधार पर 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो पहले नाम हमें ये 5 भाग नाम याद होने चाहिए। भाग कौन कौन से हैं? पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और द्वीप समूह। ये जब नाम याद हो जाएंगे फिर हमें भारत के मानचित्र में इनको सेट करना है, किस प्रकार का भाग कौन से भाग में स्थित है, तो इस प्रकार डायग्राम अपना बन जाएगा। कल अपने विशाल मैदान पढ़ लिया है कि विशाल मैदान कहाँ पे और किस प्रकार से ये पढ़ लिया अपन ने। अब देखिए अपने पास में आप पढ़ेंगे पठारीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे अपने? पठारीय प्रदेश। नदियों के मैदान से ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र नदियों का मैदान है, क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ आती हैं इन मैदानों से गुजरती हैं और यहाँ पर अवसाद लाती है। क्या लाती है? अवसाद में कूड़ा करकट मिट्टी वनस्पति जीवांश सबको बाहर लाती है और नागरिक मैदान में डाल देती है। तो ये मैदान इस उपजाऊ मिट्टी से निर्मित होते हैं। तो ये कहा जाता है कि पठारीय प्रदेश है जो नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई के ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे क्या बोलते हैं? पठारीय प्रदेश कहते हैं। समझ वाली बात। ये कहता है कि जो नदियों का जो प्रदेश है जिन्हें अपन मैदान कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? मैदान। इस मैदान के ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण कौन सा है? ये बात दक्षिण में ना, तो ये बात जो दक्षिण भाग है ये 150 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहेंगे। देखिए इधर पश्चिम भाग में तो कौन सा है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर पूर्वी भाग में कौन सा है? बंगाल खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और निचोड़ भाग कौन सा है? दक्षिण भाग। इधर कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तो भारत का जो तीनों भाग है, 1, 2, 3, तीनों से जो भाग है पूरा भारत दक्षिण भारत में, वो पूरा भारत तीनों ओर से जल से गिरा हुआ है। किसे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है। इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को, भारत के दक्षिणी प्रदेश पठारीय प्रदेश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहेंगे? विश्व का कोई भी क्षेत्र हो जो तीनों ओर जल से गिरा होता है। किसे गिरा होता है? तीनों ओर जल से गिरा होता है, उस क्षेत्र को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बाहर के से प्रायद्वीप कहा जाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बाहर पश्चिम में अरब सागर से,
पूर्व में बंगाल घाट से, दक्षिण में हिंद महासागर से आपस में घिरा हुआ है, इसलिए भारत के दक्षिणी प्रदेश को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी उत्तरी मैदान मैदानी क्षेत्र से 150 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं अपने पठारीय प्रदेश को या प्रायद्वीप प्रदेश कहते हैं। ये भाग पूरा कटाफटा देखो, यहाँ से कटाफटा है, यहाँ कटरा कटी पड़ी हुई है, तो ये भाग सीधा सपाट नहीं है, कैसा है कटाफटा भाग है, 150 मीटर उठा हुआ भाग क्या है पूरा कटाफटा भाग है। और इसे उत्तर में ये भाग जो कटाफटा जिसकी ऊंचाई इस साइड से और इस साइड से ऊंचाई अपने पास 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक पाई जाती है। दोबारा समझ इसको, भारत के विशाल मैदान के ठीक नीचे 150 मीटर ऊंचाई पर उठे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप भी कहते हैं कि भारत का दक्षिणी भाग तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए भाग को क्या बोलते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप जो भाग अपने पास है यह पूरा का पूरा कटाफटा भाग है, इसलिए इस भाग कटाफटा भाग है। और इन कटे फटे भाग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से ऊंचाई है वो 600 मीटर से लेकर 900 मीटर की तक पाई जाती है, इसलिए ये पठारीय प्रदेश कठोर चट्टानों से बना हुआ प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार से, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ कोर्डम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएँ बनाती हैं। देखिए उत्तर में तो अरावली पर्वतमाला है, इधर पश्चिम में गिर की पर्वतमाला है, नीचे कार्डम की पर्वतमाला है, इधर इलायची की पर्वतमाला है, ये सारी पर्वतमालाएँ मिलाकर दक्षिणी प्रदेश के प्रायद्वीप पठार की सीमा बनाती है। क्या बनाती है सीमा बनाती है। और ये विशाल इसमें उत्तर पूर्व से शिलोंग पथ काबा एलोंग पठार की इस भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीप भारत अनेक पठार से मिलकर बना है। प्रायद्वीप भारत में इस भारत में अनेक पठार हैं, गिर का पठार है, कोर्डम का पठार है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ये सभी पर्वत इसी श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है वो अनेक प्रकार के पर्वतों से मिलकर बना है। इस भूखंड का विस्तार प्रायद्वीप पठार में अनेक पठार से मिलकर बना, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार, ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में से एक हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। सामान्य ऊंचाई क्या है, इधर से ये ज़्यादा उठा हुआ है, इधर से कम उठा हुआ है, यानी इस प्रकार से उठा हुआ ढलान इस प्रकार से है। जितनी भी नदियाँ आती हैं वो पूरी कहाँ पर आती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इस दक्षिणी भाग से पांच नदियाँ निकलते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी। ये नर्मदा और जो ताप्ती है वो निकलती है इसके मुहाने से, यहाँ से निकलती है, मुहाने से निकलती है, तो कहाँ गिरती है अरब सागर में गिरती है। और बाकी जो नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्यों गिरती है, क्योंकि इसका पश्चिम बहाव तो ऊपर उठा हुआ है और पूरी बहाव ढलान नुमा लिया हुआ है, तो पानी हमेशा उससे निम्न की ओर ही आता है। इसलिए नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में ज़्यादा गिरती है और अरब सागर में कम गिरती हैं। से सामान्य रूप से गिरा हुआ है, जिसमें जिसका प्रमाण यह है कि नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। पठारी भाग के कुल नदियों के नाम बताइए जो बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ इलाकों के नाम बताइए जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ संबंधित देखिए कौन कौन नदियाँ हैं। यहाँ पर इलाकियाँ प्राकृतिक टॉर ब्लॉक, ब्रंश पर्वत, स्कंद पर्वत, नगन चट्टान चट्टाने पाई जाती हैं, जिसके कारण क्वाटजाय बथियाँ प्राकृतिक जल संग्रह के साथ स्थल मंडल की ओर बढ़ती हुई पूरी बहाव की ओर चली जाती हैं, जिसका पूरी बहाव ढलान नुमा होने के कारण पूरी नदियाँ बंगाल खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो सबसे क्या पढ़ना आएगा, बाहर की नदियाँ कहाँ जा गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती है, और कम नदी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में तीनों नदियाँ कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती क्यों गिरती हैं, क्योंकि ये पर्वतों के मुहाने से निकलती है। कहाँ निकलती है,
मुहाने से निकलती हैं, इसलिए इनका प्रवाह क्षेत्र किधर है? पश्चिम की ओर। और बाकी नदियां निकलती हैं इनके मध्य से निकलती हैं, जो जाती है पूर्व की ओर। प्रायद्वीप पठार के अनेक से हैं, भूथान निमज्जन तथा भ्रंश विभंग प्रक्रिया के अनेक पूर्ववर्ती दौर से गुजरे हैं। बीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपने पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण प्रायद्वीप पठार पर धरातलीय विविधताएँ पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खड्डे और महाखड्डे इसका मध्यतल को जटिलता बनाते हैं। जब नदियाँ अपने गुजरती हैं, इधर गिरती हैं, इधर गिरती हैं, तो इनके मार्ग में बहुत सारे खड्डे आते हैं, गहरे दर्रे आते हैं, दरारें आते हैं।